गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाख तली लाले पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालू निरखुने त्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरी जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री राज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, देखिए कितने प्यारे प्यारे मॉडल्स हम सुंदर साथ जी, प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी ने ये बनाए, ताकि हम सुंदर साथ को खड़ी हुई शोभा में से बहुत ही क्विकली जल्दी से समझ आ सके। और सुंदर साथ जी ने तो, कईयों ने तो जा जा कर इनके दर्शन भी किए हुए हैं कि किस प्रकार सुंदरता लिए हुए ये मॉडल। गुजरात सुंदर साथ की सेवा, अमी उर्वी किरीट भाई आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कभी उदय भाई तो कभी किरीट भाई, अति सुंदर मॉडल्स की सेवा हम सब सुंदर साथ के लिए वो करते रहते हैं, उनकी एग्जीबिशन लगाते रहते हैं, ताकि हम सबको ये देख कर समझने का सुख प्राप्त हो सके। तो आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो चलते हैं जहां से कल हम चल रहे थे। और आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगी, मुझे बड़ी प्यारी बात आज अंजलि जी ने बताई, जो कि मैंने नोटिस नहीं की थी सुंदर साथ जी, वो हम सबसे पहले उनको देखते हैं। आइए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, श्री दूप दुलीचा। ये देखिए सुंदर साहब जी, कल हमने की थी उनकी देहुरियां, अति सुंदर देहुरियां। और ये देखिए उनमें कितनी देहुरियां आई हैं, ये ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो लास्ट वाला, मैं थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ, ये जो लास्ट वाला चबूतरा आया है ना सुंदर साथ जी, वो अन्न वन में काउंट किया गया है। तो इसलिए श्री दूप दुलीचा में जो छह बच्चे आए हैं, ये वाले जिन पर की देहरियां बनी हैं पौने पौने मंदिर की लंबी चौड़ी, तो वो देहरियां ये कम रह जाती हैं इतनी, क्योंकि ये श्री अन्न वन में महाराज जी ने जब छह बच्चे काउंट किए हैं ना, तो उन्होंने श्री दूप दुलीचा में इतने ही छह बच्चे काउंट किए, यानी कि ये वाले जो छह बच्चे हैं वो थोड़े कम हो गए हैं हमारे श्री दूप दुलीचा में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी 121 नहीं, बल्कि 11 की 11 हारे होने की बजाय 11 की 10 हारे यहाँ पर आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। ये देखिए 11 की 10 हारे, यानी कि उन्होंने पहली बार उत्तर भी यही दिया था, 110 हमारे श्री चह बच्चा मेन वाले। तो 110 देवरियों की शोभा आई है, 121 की नहीं आई, ये सब सुंदर साथ जी नोट कर लेंगे। तो यानी कि केवल 10 ही तो ज्यादा हुए सुंदर साथ जी, हमारे श्री अन्न वन में कितनी देवरियां आई थी, 100, क्योंकि 100 ही तो बगीचे आए हैं। और श्री दूप दुलीचा में भी ऑलमोस्ट सेम, केवल 10 ज्यादा, क्योंकि ये कॉर्नर पे है, तो यहाँ पर 110 और यहाँ पर 100। बहुत ही सुंदर ये शोभा। और अब हम चलते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था ना, महाराज जी कैसे घूमते घुमाते हुए किस प्रकार से वो जाते हैं, आइए उनको देखते हैं सुंदर साहब जी। ये देखिए
तो सबसे पहले हम हैं ये बड़ी प्यारी सेवा हमारे प्यारे सुंदर साथ गीतू जी और साथ में जो सुंदर साथ हैं उनकी ये लेबल करने की, और सब इनको प्रियंका जी सब सुंदर साथ, हाँ जी अति सुंदर, और दूसरी प्रियंका जी भी अति सुंदर। तो ये देखिए सबसे पहले पश्चिम की चौगान की रेती, चौकों की, जानवरों की अति सुंदर शोभा को देखते हुए आनंद लेते हुए हम चलते हैं महाराज जी के साथ साथ श्री दूब दुलीचा की, नहरों, चह बच्चों, देहरियों का और दूब का आनंद लेते हुए फिर श्री अन्न वन के बागों में, श्री अन्न वन का यानी अन्न के खेतों का, और साथ में नहरों, चह बच्चों और सेंटर में आई हुई स्लाइटली स्मॉलर देहरियों को देखते हुए, और आगे अब क्या है आगे आगे नीचे तो श्री नूरबाग आएंगे परंतु हमने चढ़ना है ऊपर, ऊपर यानी एक भूम ऊपर यानी के श्री फूल बाग की पहली भूम श्री नूरबाग की छत, उसके ऊपर चढ़ना है। तो उसके कौन कौन से रास्ते हैं सुंदर साहब जी? श्री फूल बाग में जाने के लिए, अब हम अन्न वन से जा रहे हैं तो श्री फूल बाग में जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं ये वन बाय वन सुंदर साहब जी बताएंगे। हम कहीं से भी जा सकते हैं, आप बाहर निकल के भी जा सकते हैं, इधर से जैसे मर्जी। महाराज जी किस प्रकार गए वो मैं आपको एक बार बताती हूँ, यदि हम महाराज जी के साथ जाना चाहते हैं। आप हैंड रेज करेंगे, एक रास्ता केवल एक सुंदर साथ ही बताएंगे ताकि बाकी रास्ते और सुंदर साथ बता पाए। तो महाराज जी ने क्या किया, वो यहां से इन चह बच्चा की जो पहली सीढ़ी उनको मिली, उन सीढ़ी के, क्योंकि ये वाली सीढ़ी तो आई नहीं, ये तो छज्जा जी के ऊपर उतरी हुई है, तो जो उनको क्लोजेस्ट सीढ़ी यहाँ पे मिली वो इस चह बच्चा के ऊपर गए हैं, और फिर इस चह बच्चा से उन्होंने श्री फूल बाग के बगीचों का नजारा लिया है। तो आइए सुंदर साथ जी, और कौन से रास्तों से हम श्री फूल बाग में जा सकते हैं, सबसे पहले सुनते हैं कुसुम आंटी से। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। जो ये बड़ो वन के वृक्ष आए हैं अनवन में, उनकी बॉम्ब उनकी जो बीच में सीढ़ियां आई हैं उसमें से चढ़ के हम एक मंदिर का छज्जा पार करके फूलबाग में जा सकते हैं। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल पास में अन्न वन में आते आते ही ये जो बड़ो वन के पांच पेड़ हैं उनमें से क्लोजेस्ट वाले पेड़ पे भी आप जाइए या किसी भी पेड़ पे जाइए, अंदर गोल गोल सीढ़ियों से सबसे पहले वो एक मंदिर का छज्जा, तीन सीढ़ी नीचे उतरिए एक मंदिर के छज्जे से, फिर तीन सीढ़ी ऊपर चढ़ के श्री फूल बाग की पहली भूमि में आ जाइए। प्रणाम जी, अति सुंदर, प्रणाम प्रणाम। दीदी। हाँ जी, और अब दूसरा रास्ता सुनते हैं सुदर्शन आंटी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये नैरित कौन के चाय बच्चे से नहीं जा सकते सीढ़ी चढ़ के इधर का ये चाय बच्चा हाँ जी? जी, चाहे आप वायव्य कोण से जाइए चाहे नैऋत्य कोण से, अति सुंदर, इधर से भी जो क्लोजेस्ट सीढ़ी हमें मिलती है हाँ वहां जी से जी, हम जा सकते हैं, अति सुंदर। प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, एक मिनट जी, अब हम चलते हैं सुनीता सिंगर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अन्नवन से फूलबाग में आना है? हाँ जी, अन्नवन से हम जो पौने तीन मंदिर की भारी हार की जो नहर का चबूतरा है उससे हम बड़ो वन की हम जमीन पे आएंगे। बड़ो वन की जमीन से आते आते हम चह बच्चे के भोंबर की सीढ़ी से उठ के, और भोंबर की सीढ़ी से कोट दीवार से, और हम फूलबाग हाँ में आ जी, जाएंगे। चाहे बच्चे से तो हमने चढ़ लिया उस सीढ़ी से तो सुंदर साथ ने, और महाराज जी ने पहले ही बता दिया, तो अब आपके चरणों में कोटान कोट हम प्रणाम नूरबाग जी। से, हाँ जी, नूरबाग के अंदर से होते हुए भी हम वो जो 10 खिड़कियां आई हुई हैं उससे हम प्रथम भूमि में जाके उससे भी हम फूलबाग में आ हाँ सकते हैं। जी बिल्कुल, यदि आप पूरा रास्ता ये तय करना चाहें रंग महल के अंदर से, इन खिड़कियों में से जाके रंग महल के अंदर से भी आ सकते हैं, अति सुंदर। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रास्ता क्विकली। हाँ जी, श्रीनिवास जी। प्रणाम जी। नहीं जी, ये जो नूरबाग के अंदर ना हर तीसरा पेड़ जो है दो के बाद वो उसमें सीढ़ियां आई हैं, उनसे भी हम ऊपर जा सकते हैं फूलबाग में। हाँ जी, अरे वाह, कितनी सुंदरता से उन्होंने बता दिया,
कि हर तीसरे पेड़ में सीढ़ियां आई हैं, क्योंकि बीच में जो है फील पाए वैसे उसमें भी काउंट किए हैं महाराज जी ने, पर पेड़ों में सीढ़ियां भी जब चाहे हमें सीढ़ियां भी मिलेंगी अति सुंदर, उनसे भी हम ऊपर पेड़ प्लस फील पाया जो बना हुआ है उनमें से भी हम ऊपर जा सकते हैं। वैसे तो हम किसी भी फील पाए से भी ऊपर जाना चाहे यदि नूर बाग में से, क्योंकि फील पाए हमें दिखाई दे रहे हैं, जल में से मछली बन भी ऊपर जा सकते हैं अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रांशी बेटा, प्रणाम जी। सुंदर सार जी, मेरे दिल में भी एक रास्ता यही आ रहा था कि नूरबाग के वृक्षों से ऊपर जाके हम फूलबाग में पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता मेरे दिल में एक और आ रहा है कि जो नूरबाग के नैऋत्य और वायव्य कोने के जो 6 बच्चे हैं उनके आगे नूरबाग के उत्तर और दक्षिण में जो बड़ो वन के वृक्ष हैं उन बड़ो वन के वृक्षों से हम ऊपर जाके फिर आगे फूलबाग में जा सकते हैं। हाँ जी, पहले हम इन वृक्षों से गए थे, इन वृक्षों में से भी सेम रास्ता यहाँ जाके आप 3 सीढ़ी नीचे उतर के ये येलो कलर के छज्जे पर आइए, फिर एक मंदिर पार करके 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के श्री फूलबाग में चले जाइए। अति सुंदर बेटा, प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। मेरा भी यही रास्ता था, जो नूरबाग से जो 5 बड़े वन की वृक्षों के हारे जा रहे हैं उनसे चढ़ के पहली भूम दूसरी भूम में फूलबाग में जा सकते हैं। हाँ जी, इसके अलावा यदि सुंदर साहब पहले से बोल चुके हो तो हम हैंड रेज हैंड नीचे कर लेंगे और डिफरेंट रास्ता हो तब हम बताएंगे। अति सुंदर, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, सॉरी मैंने अनम्यूट किया फिर से। हाँ जी, तो अब किसी भी इनमें से जो रास्ता सुंदर साथ जी को पसंद हो उसमें से हम अभी फिलहाल हम महाराज जी वाला रास्ता लेते हैं। ये 6 बच्चे से हम ऊपर गए, वो यहीं खड़े हो गए महाराज जी। उन्होंने कहा मुझे क्या दिखाई दिया, श्री फूल बाग के 500 बगीचे दिखाई दिए, श्री फूल बाग के 500 बगीचे। तो पश्चिम की चौगान में जब वो वर्णन कर रहे हैं तो मैं सोच रही थी तब पहली बार मैंने वो 500 का वर्ड 500 का वो पढ़ा तो मैं सोच रही थी कि ये 500 महाराज जी ने क्यों लिख दिया यहाँ पे, जब पहली बार पढ़ा था बताने से भी पहले तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी 500 क्यों बना, क्योंकि फूलबाग के तो 100 ही बगीचे आए हैं। तो सुंदर साथ जी, तब सुंदर साथ जी के दिल में भी तभी आया, ऐसी प्यारी एक दिल्ली की लीला चल रही है कि ये फुलवारियां क्या वो बगीचे होती हैं, उसमें महाराज जी ने बिल्कुल क्लियर लिख दिया। हालांकि फुलवारियां काफी ज्यादा बनती हैं, वो केवल 400 नहीं बनती, महाराज जी जब उनको गिनते हैं तो ओनली फुलवारियां ही, क्योंकि चहबच्चे के आसपास भी जब वो फुलवारी गिनते हैं ना तो उनको 4 गिनते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो टोटल यदि करें तो 600 समथिंग फुलवारियां वो गिनते हैं, परंतु रफली उन्होंने यहाँ पर लिखा क्योंकि 100 बगीचे, हर बगीचे के आसपास चारों तरफ फुलवारी तो 100 की हो गई 400 फुलवारियां, तो उन्होंने 400 बगीचे तो फुलवारियों के काउंट किए, और यानी के एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा हुआ सुंदर साहब जी, फुलवारी का एक बगीचा, बीच में फुलवारी के बीच में आपको चलने का रास्ता भी मिलता है, हर सीढ़ी के सामने, हर जल चबूतरे के सामने या फिर पुल के सामने रास्ता बना हुआ, रोंस बनी हुई, आपको फुलवारी से कूद कर नहीं जाना है, कहीं भी राज्जी कूदने नहीं देते हैं आपको, प्रॉपर वो रास्ता भी बना के रखते हैं। हाँ, कूदने की इच्छा हो रही है तो जरूर हम जा सकते हैं, उड़कर भी जा सकते हैं, परंतु हर पुल के सामने भी फुलवारी में रास्ता, हर जल चबूतरे के सामने भी फुलवारी के अंदर जाने के लिए रोंस उन्होंने बनाई हुई है, परंतु वो लिखते हैं कि रोंस आई है पर फिर भी हम उसको लंबी फुलवारी ही काउंट करेंगे, क्योंकि वो जगह फुलवारी की ही आई है। तो आप बताइए सुंदर साहब जी, ये वाली जो एक फुलवारी है वो कितनी लंबी होगी, ये वाली एक फुलवारी? हाँ जी बिल्कुल, रफली हम ले तो 33 हाथ की, क्योंकि फुलवारी होती है ना इधर, और 150 मंदिर का वो बगीचा होता है, तो 33x150 कह सकते हैं, बगीचे के अंदर की देख रहे हैं तो 33 हाथ
बाय 147 मंदिर भी देख सकते हैं यदि चाहे बच्चों की अलग से काउंट करनी हो। अति सुंदर, तो वो 500 बगीचों को निहारते हुए सुंदर साथ जी विशालता और भव्यता को दिल में कभी कम नहीं होने देना, बल्कि बढ़ाते बढ़ाते वृद्धिहान उनकी करते जाना है, क्योंकि उस विशालता को दिल में बसाने के लिए ये शरीर का दिल, ये जीव का दिल बहुत छोटा है। आत्मा के दिल में बसाना है इनकी विशालता और इनकी भव्यता को। यानी आप इस देश में खड़े होके इंडिया तक यदि नजर, वैसे तो यहाँ से वहां तक नजर जाती नहीं, तो इतने बड़े तो हमारे श्री फूल बाग होंगे सुंदर साथ जी। इतनी विशालता, बड़ी से बड़ी जगह जो आज तक आपने टीवी में या फिर रियलिटी में देखी हो ना, तो कम से कम उतनी विशालता तो दिल में जरूर लेकर आए कि हमारे एक एक धूप दुलीचा जी या फिर अन्न बन फूल बाग इतने बड़े हैं, तो कितने बगीचे भी उनके बड़े होंगे। तो आइए इनके दर्शन करते करते, इनको निहारते निहारते, इन्हीं चहबच इन्हीं नहर के चबूतरे से हम चलते हैं श्री वायव्य कोण के चहबच्चे की तरफ। तो जो जैसे श्री रंग महल के नैऋत्य कोण के चहबच्चा जी आए थे, उसी प्रकार श्री वायव्य कोण के चहबच्चा भी आए हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, तो यहाँ पर जल्दी से सुंदर साथ जी क्विकली हम रिवाइज भी करके देखेंगे कि आप सुंदर साथ बताएंगे कि श्री नैऋत्य कोण के श्री फूल बाग की तरफ किस प्रकार के वो चहबच्चा थे। सबसे पहले सुंदर साथ जी चैट में लिख के बताएंगे कि ये चहबच्चा की, अब तक तो सबको पता है क्योंकि हम 6th 6th चहबच्चा कर रहे हैं ये, है ना। दो तो श्री रंग महल के पूर्व दिशा में हमने देखे और 4 हमने यहाँ पर देखे, तो ये 6th हैं, तो अब तक हमें अच्छे से सबको आने चाहिए। सबसे पहले सुंदर साथ जी लिख कर बताएंगे कि इनकी ग्रिद कितनी आई है, इनकी घूम कर गोलाई यानी ग्रिद कितनी आई है सुंदर साथ जी। ये क्विकली होना चाहिए, विद इन 5 minutes विल रिवाइज। हाँ जी, इनकी ग्रिद बिल्कुल सही, ये तो फटाफट आने चाहिए, अति सुंदर, क्योंकि हर एक सुंदर साथ को अभी तक पता है कि इनकी ग्रिद कितनी आई है। बिल्कुल सही, 480 मंदिर, और वैसे तो हम कहते ही इनको क्या है, 16 हांस के चहबच्चे, तो हांस में 16 और मंदिरों में 480 मंदिर। आपने देखा विद इन फ्यू माइक्रोसेकेंड्स 25 आंसर्स हमारे पास सुंदर साथ ने लिख भी दिए, कितनी खुशी होती है देखकर, अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी क्विकली लिखेंगे इनकी लंबाई और चौड़ाई या फिर व्यास, वृत्त का व्यास होता है, ये भी हांसों में ही है पर वृत्ताकार है, और इनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आई है सुंदर साथ जी। हां जी, कितनी, वेरी गुड सुंदर साथ, बहुत ही प्यारा लिखते जा रहे हैं, अति सुंदर, बिल्कुल सही, 160 मंदिर, क्योंकि जब भी एक गोलाकार वृत्ताकार आकृति हांसों में हम करते हैं तो जो भी हमारी ग्रिड होती है ना 480, उसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं 3 भागों में, तो रफली, ये एग्जैक्ट नहीं होता है सुंदर साहब जी, इसको इजी बनाने के लिए ये लिखा गया है, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए 448 को, तो 160, 160 की तो लंबाई, 160 की चौड़ाई। अब ये बताइए कि ये कितने मंदिर यहाँ पर श्री रंग महल की परिक्रमा रौंस से ये मिली हुई जगह होती है, श्री परिक्रमा रौंस से मिली हुई जगह, अति सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारा उत्तर, कितनी जगह श्री रंग महल से मिली हुई, वेरी गुड सुंदर साथ जी, बहुत प्यारे उत्तर और बिल्कुल सही, 30 मंदिर यानी एक हांस में 30 मंदिर होते हैं ना, 30 मंदिर श्री रंग महल की परिक्रमा रौंस से मिले हुए, और हम जब चाहें परिक्रमा रौंस से डायरेक्ट इधर आ सकते हैं थैंक्स टू दीज 30 मंदिर्स, ये बिल्कुल मिले हुए, तो इनसे हम इधर आ सकते हैं। बाकी 15 हास बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, राजपाला जी अति सुंदर, तो ये बाकी 15 हास बाहर घूमते हुए। अब हां जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये वाला पार्ट
ये वाला जो 1/4, यहाँ भी उतनी ही 1, 2, 3 इधर सीढ़ियां चांदे के द्वारा हमें मिलती हैं घूमती हुई, जैसे हमने नैऋत्य कोण में देखी थी। अब ये वाला जो 1/4 पार्ट, ये कितने मंदिर का पार्ट होता है सुंदर साथ जी? 1/4, ये भी सब सुंदर साथ को अब तक पता होगा, आई एम प्रिटी श्योर। हाँ जी बिल्कुल, अति सुंदर अति सुंदर, क्योंकि चार भाग में डिवाइड करें तो 120 होते हैं ना, परंतु ये जो मिला हुआ भाग होता है तो 15-30 में से 15 मंदिर कम हो जाते हैं इस तरफ, तो 120 में से 105 इधर, 105 इस तरफ, और ये तो पूरे 120 ही होते हैं। तो इन 105 मंदिरों में कौन छाया डालता है? इन 105 मंदिरों में, 105 मंदिर की जगह में हु विल मेक द छत्री मंडल, छत्री मंडल कौन डालेंगे यहाँ पर? श्री बड़ोवन के वृक्ष डालेंगे, श्री नूर बाग जी डालेंगे, या फिर कौन यहाँ पे? श्री फूल बाग जी डालेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि ऊपर छत पे, ये भी छत है ना, एक भूम ऊपर उठ के आ चुके हैं, ये भी कोट दीवार इनकी, ये भी एक भूम ऊपर, इनका जल जो होता है वो दो भूम गहरा होता है, क्योंकि एक भूम उठी हुई कोट दीवार और एक भूम जमीन की गहराई में, तो ये भी एक भूम ऊंचे। श्री फूल बाग के वृक्ष 105 मंदिर की जगह में अपनी छाया या छत्री मंडल डालते हैं। ये 30 मंदिर का भाग एक्सपोज्ड, यानी के कुछ भी छत्री मंडल यहाँ पर नहीं होता। यहाँ खड़े होकर आप ऊपर नजर करें तो आपको निजधाम की पूरी भूमें अपने रंग महल की दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर कितने वृक्ष सुंदर साची? श्री फूल बाग के कितने वृक्ष इस भाग पर छाया डालते हैं? अरे वाह, मेरे को सोचने में थोड़ा समय लग जाता है सुंदर साथ जी, हैट्स ऑफ टू यू, राजी की कितनी मेहर आप सब हम सब पर बरस रही है। विद इन फ्यू सेकेंड्स, आई कांट बिलीव इट, हमारे पास अभी तक कितने मिनट्स अभी क्वेश्चन पूछते हुए हुए हैं? आई थिंक 5-6 मिनट्स एंड वी हैव 130 उत्तर। वेरी गुड सुंदर साथ जी, 105 मंदिर पे छाया डालने के लिए 35 वृक्ष, और वो 35 वृक्षों का ब्यौरा हमने नैऋत्य कोण में प्रियंका जी ने, सीमा दीदी ने मिलकर बहुत ही सुंदर, उन 35 वृक्षों ने किस प्रकार वो 35 बने और कैसी छाया डाली वो हम पहले ही समझ चुके हैं। अब यहाँ से भी सेम टू सेम, यहाँ से आधे चह बच्चे तक कौन छाया डालेगा सुंदर साथ जी? नेक्स्ट 1/4 और 1/4, बिल्कुल नैऋत्य कोण की तरह। सुनीता दीदी वेरी गुड, 13 वृक्ष एक बगीचे के, फिर 13 दूसरे के और 9 अगले बगीचे के बनते हैं 35 वृक्ष, अति सुंदर। अब ये आधे चह बच्चे पर, यानी 120 और फिर 120, श्री बड़ो वन के वृक्ष, अति सुंदर, बहुत प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं। अब ये बताइए श्री फूल बाग के कितने छत्री मंडल, कितनी छत्रियां, कितने कठेड़े हमें ऊपरा ऊपर दिखाई देते हैं? श्री फूल बाग के कितने कठेड़े, कितने छत्री मंडल हमें इस भाग में दिखाई देते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि श्री फूल बाग दो भूम के आए हैं, तो हमारे छत्री मंडल भी दो और कठेड़े भी ऊपरा ऊपर, यहाँ तक दो कठेड़ों की शोभा दिखाई देते हुए 1/4, ये घूम जाएगा पहला चबूतरा ना यहाँ पे। अब इस भाग में, यानी अगले 120, 120, 240, यानी 240 मंदिर की जगह, या फिर आधा हो गया हमारे ये आधे श्री चह बच्चा जी, उन पर कितने छत्री मंडल और कितने कठेड़े दिखाई देते हैं? ध्यान से सोचिए सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, क्योंकि श्री बड़ो वन 5 भूम के आए हैं, परंतु पहली भूम का छत्री मंडल इस चह बच्चा पर, यदि आपने देखा हो तो श्री नैऋत्य कोण के चह बच्चा पर तो 5 छत्री मंडल पूरे डाले थे हमारे श्री बड़ो वन के वृक्षों ने, क्योंकि पहली भूम 22 हाथ ऊपर चली गई थी 22 सीढ़ियां बनाने के लिए, क्योंकि वहां तक 22 हाथ ऊपर वाले झरोखों की शोभा बट पीपल की चौकी से आते हुए अभी चल रही थी, तो ये यहाँ पर डिफरेंस रहा हमारे श्री नैऋत्य कोण और श्री वायव्य कोण के चह बच्चा पर, कि वहां पर भी आधा भाग
कवर तो श्री बड़ो वन के वृक्षों ने किया है, परंतु छत्रियां उन्होंने 5 डाली हैं, जबकि इन पर उन्होंने केवल 4 छत्रियां डाली, क्योंकि पहली भौम का छत्री मंडल 22 हाथ ऊपर नहीं गया। यहाँ पर 22 हाथ ऊंचे झरोखों की यानी के उच्चेरे झरोखों की शोभा नहीं आई हुई है, तो इसलिए यहाँ 4 छत्रियां, इस पार्ट में 2, इस पार्ट में 4 छत्रियां। ये वाला जो भाग है ये आता है श्री लाल चबूतरा जी की तरफ। श्री लाल चबूतरा जो है वो श्री रंग महल की कौन सी दिशा में अब हम जाएंगे सुंदर साथ जी? पूर्व भी हमने कर लिया, दक्षिण भी कर लिए और पश्चिम भी कर लिया, कौन सी दिशा हमारे पास बची है? उत्तर दिशा में। अति सुंदर। तो उत्तर दिशा में यहां से ही श्री लाल चबूतरा शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला भाग जो है इनका छत्री मंडल जो है 105 मंदिर का, वो हम श्री लाल चबूतरा की शोभा समझने के बाद उनको करेंगे, जिस प्रकार श्री फूलबाग की शोभा समझने के बाद हमने किया था तो हमें और समझ में आएगी। तो ये भाग हम फिलहाल छोड़ देते हैं, 105 मंदिर का बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, तो ये हम उनके बाद करेंगे। तो आइए देखते हैं सुंदर सा जी, श्री लाल चबूतरा की शोभा कहाँ पर आई है, उनकी लोकेशन कौन सी है, आइए देखते हैं। तो अब हम कहाँ पर प्रोसीड कर रहे हैं सुंदर साहब जी? हम प्रोसीड कर रहे हैं श्री रंग महल की उत्तर दिशा की तरफ। अति सुंदर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन। तो सबसे पहले चलते हैं इस तरफ जी। ये हम अभी क्या समझ रहे थे, ये आप एक बार फिर से इनको देख लीजिए। श्री वायव्य कोण के चहबच्चा जी, अति सुंदर। ये श्री फूलबाग की तरफ 105 मंदिर, यानी के 35 वृक्षों ने छाया की, 2 छत्री मंडल, 2 कठेड़े इस तरफ दिखते हुए, यहां से लेकर पूरा यहां तक आधे चहबच्चा जो है वो श्री बड़ो वन के वृक्ष 5 भौम ऊपर गए हैं, परंतु 4 छत्रियां उन्होंने डाली। और कितने वृक्ष घूमे सुंदर साहब जी, ये हमने नहीं किया, अच्छा हुआ ये मैप सामने आया। तो इसका भी प्रियंका जी जब इनकी शोभा होगी तो वो बहुत ही प्यारा मैप इनका हमें बनाकर जरूर ही हम सुंदर साथ के सामने, वो हमेशा इतनी प्यारी शोभा राजजी महाराज उनके दिल में बैठकर खड़ी कर देते हैं। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी यहाँ का वृक्ष बताइए, वो कहाँ कहाँ आए थे? चांदा जी के स्टार्टिंग में आए थे या एंड में आए थे? चांदा जहां शुरू हुए थे वहां आए थे या चांदा जहां खत्म हुए थे वहां आए थे? लिख के बताएंगे सुंदर साथ जी। नैऋत्य कोण के चहबच्चा में याद है किसी सुंदर साथ जी को कि हमारे बड़ो वन के पहले वृक्ष कहाँ पर आए थे? हाँ जी मेघना जी, अति सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर। तो हमारे चांदा जहां शुरू हुए थे, एक्चुअली में एंड नहीं हुए थे। हाँ जी, ये स्टार्टिंग में हमारे वृक्ष आए थे और तीसरा चांदा यहाँ बना नहीं हुआ है, उनके उनकी स्टार्टिंग में आए थे या एंड में आए थे? ये वाले चांदा की स्टार्टिंग में आए थे या एंड में? सुंदर साथ जी, ये यहाँ भी एक चांदा जी आए हैं ना हमारे, उनके कहाँ आए थे ये वृक्ष, आपको याद है? शुरू में या अंत में? हाँ जी, यहाँ पर एंड में आए थे, अंत में आए थे, तभी तो वो श्री फूलबाग की हद में चले गए हैं। वही तो हम सुंदर साथ ने सहूर करना है, एक दिन हम सब सुंदर साथ की राय भी उस पर जानेंगे बैठकर कि वो चांदा कि एंड में वृक्ष आने से वो फूलबाग की हद में क्यों गए, वो वृक्ष क्या पर्पज रहा उनका। तो आपके दिल में क्या शोभा आती है जरूर सोचिएगा। हाँ जी, अब इनके कहाँ पर आए वो रह गए, यहाँ पर कहाँ कहाँ वो श्री बड़ो वन के वृक्ष आए, ये देखिए यहाँ पर आएंगे पहले चांदा जो कि अभी यहाँ मैप में बन नहीं पाते हैं कई बार। तो ये देखिए यहाँ पर तो पहला जो है वो एंड में, इधर से देखें तो पहला वृक्ष इस चांदे के एंड में ये नहीं आए, फूलबाग की हद में नहीं आए ये, क्योंकि चांदा के मिड में तक फूलबाग की हद है, तो चांदा के एंड में आए, ये भी चांदा जी के एंड में आए, ये भी उनके एंड में ही आए। तो इन्होंने पूरी सिमिट्री अपनी फॉलो की, इधर से शुरू करें, ये इधर अगर चांदा का स्टार्टिंग है तो वृक्ष हमारे एंड में आए, इधर भी 120 मंदिर छोड़कर, इधर भी 120 मंदिर छोड़कर, इस प्रकार से इन वृक्षों ने अपना
छत्री मंडल अति सुंदर। और कितना छत्री मंडल अंदर तक जाता है सुंदर साहब जी? दो मंदिर का हर छत्री मंडल अंदर तक चौड़ा होता है, क्योंकि एक मंदिर की तो रौस हमारे श्री चहबच्चा जी की रौस, और एक मंदिर का जल चबूतरा, अति सुंदर दो मंदिर का अंदर छत्री मंडल जाता हुआ। और ये अंदर का जो जल होता है उसके साक्षात दर्शन होते रहते हैं, जल के दर्शन वो कवर नहीं होते किसी भी छत्री मंडल से। तो आइए अब हम चलते हैं अपने श्री लाल चबूतरा जी की शोभा देखने की तरफ, अति सुंदर। आइए, कितने प्यारे प्यारी सेवा सुंदर साहब जी ने की, कि किसी तरह से राजी महाराज चाहते हैं कि हमारे दिलों में वो शोभा बस जाए, वो घर कर जाए, और ऐसी घर कर जाए कि और कुछ समाने की उसमें जगह ही ना रहे। यदि परम धाम दिल में बस जाता है तो और किसी चीज की क्या जरूरत है सुंदर साहब जी। ये देखिए, अब है हमारे श्री लाल चबूतरा जी, अति सुंदर मैप ये बनकर तैयार हुए। ये हम चहबच्चा थे जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। तो वो जो बड़ोवन की हारे भी है ना, पांच हारे पश्चिम से घूमकर श्री फूलबाग के उत्तर दिशा से घूमकर इन चहबच्चा को कवर करती हुई, ऐसे घूमती हुई ये फिर सीधी हो गई। ये देखिए, ये पांच हारे इनको बड़ोवन कहते हैं। बड़ोवन के ही पश्चिम में ये पांच हारे अभी भी साथ साथ चलती हुई अति सुंदर दिखाई देती हैं, अति सुंदर। हाँ जी, 1500 मंदिर में बिल्कुल श्री फूलबाग भी पहलदार ही आएंगे। यहाँ पर सीधा क्यों दिखाया जाता है श्री रंग महल को, हमें समझने में थोड़ा इजी हो जाए। अदरवाइज यहाँ पर श्री रंग महल के कितने हास आए हैं सुंदर साहब जी उत्तर दिशा में, आपको याद है ना हमने हास किए थे। हमारा श्री रंग महल 201 हास में आया है उत्तर दिशा में। कितने हास आए हैं सुंदर साहब जी? बिल्कुल सही, 50 हास उत्तर दिशा में, 50 दक्षिण में, 50 पश्चिम में, परंतु पूर्व में एक विशेष एंट्रेंस एंट्री का हास विशेष दिया गया, तो 51 हास, परंतु मंदिर उतने के उतने ही रहे। तो यहाँ पर उत्तर के हांसों में टोटल कितने मंदिर उत्तर की दिशा में आए हैं सुंदर साहब जी? 50 हांस में कितने मंदिर होते हैं सुंदर साहब जी? 50 हांस में श्री लाल चबूतरा हम अभी करेंगे, बिल्कुल सही। एक हांस में 30 मंदिर, तो 50 हांस में पूरे इन चहबच्चा से लेकर इनके हाफ से लेकर एक्चुअली, और इन चहबच्चा के हाफ तक पूरे 1500 मंदिर यहाँ पर हमें मिलते हैं। 1500 मंदिर अति सुंदर प्यारी शोभा लिए हो। अब उन 1500 मंदिरों में से श्री वायव्य कोण से यदि आप शुरू करें तो 1200 मंदिर हमारे श्री लाल चबूतरा जी ने जगह ली है। 1200 मंदिर की जगह यानी कितने हांस हुए सुंदर साहब जी? 1200 मंदिर बोले तो कितने हांस, उनको हांस में कन्वर्ट कीजिए। हाँ जी, 40 हांस यानी 1200 मंदिर के तो ये लंबे हैं, और केवल एक हांस यानी कितने मंदिर? 30 मंदिर के चौड़े। कितने मंदिर के लंबे हुए सुंदर साहब जी? यहाँ पर 40 हांस या 1200 मंदिर, 40 हांस के लंबे, एक हांस के चौड़े, या 1200 मंदिर की लंबाई और 30 मंदिर की यहाँ पर चौड़ाई की, ये हमारे श्री लाल चबूतरा जी अति सुंदर। देखिए, बनाए भी ये लाल रंग के गए, और ये बिल्कुल परिक्रमा रौस से अंग संग मिले हुए जमीन से एक चबूतरा, चबूतरा का मतलब ऊंचा, तो कितने ऊंचे हैं लाल चबूतरा? पूरे एक भौम ऊंचे, जिस प्रकार हमारी ये परिक्रमा रौस यानी के हमारे श्री रंग महल एक भौम ऊंचे चबूतरे पर बने हैं, उसी प्रकार ये लाल चबूतरा, चबूतरा यानी के ऊंचे, तो ये भी पूरे एक भौम ऊंचे होकर जिस प्रकार श्री फूलबाग के नहर के नहर के चबूतरों ने श्री रंग महल की परिक्रमा रौस से अंग संग मिलान किया है, उसी प्रकार ये चबूतरा भी जमीन से भौम भर ऊंचे उठकर परिक्रमा रौस से अंग संग हम यहां से इधर और इधर से इधर एक मिनट में ना चढ़ना ना उतरना लाल चबूतरा जी से परिक्रमा रौस में हम जा सकते हैं। तो 1200 मंदिर तो इन्होंने लिए, तो होते तो 1500 मंदिर है ना सुंदर साहब जी। अगले
300 मंदिर में क्या हुआ, श्री ताड़ वन की शोभा आई। तो ये है हमारी पूरी उत्तर दिशा, पहले 1200 मंदिर तो हमारे श्री लाल चबूतरा ने ले लिए, 1200 और 300, ऐसा हमने किसी दिशा में अभी तक किया नहीं है, क्योंकि पूर्व दिशा में तो पूरे 1500 मंदिर तीन वनों ने ले लिए थे। कौन कौन से तीन वन थे सुंदर साहब जी? 500-500 मंदिर के चौड़े, तो 1500 मंदिर पूरे उन तीन वनों ने, सात वनों में से तीन वन श्री रंग महल के सामने आए, अनार अमृत जांबू, अति सुंदर बेटा। बीच वाले तीन वनों ने पूरे 1500 मंदिर घेर लिए थे। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में पूरे 1500 मंदिर क्या आया उनके सामने, दक्षिण दिशा में, हां जी, श्री दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर पूरे के पूरे घेर कर, यानी कि उनके बिल्कुल सामने और ऊपर से मिलान करते हुए पूरी हमारी बट पीपल की चौकी जो है वो पूरी 1500 मंदिर की लंबी राजी महाराज ने बनाई, अति सुंदर। और श्री पश्चिम दिशा में, श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में पूरे 1500 मंदिर किन्होंने कौन सी शोभा आई है, एग्जैक्टली 1500 मंदिर श्री नूरबाग, और मिलते हुए ऊपर परिक्रमा रौंस से श्री फूलबाग, एग्जैक्ट 1500 मंदिर की लंबाई उन्होंने ली। पर यहाँ पर राजी ने कहा कुछ डिफरेंट करते हैं, तो यहाँ पर 1200 और 300 उन्होंने कर दिया, तो 1200 में लाल चबूतरा और 300 में श्री ताड़वन, यानी के 40 हांस और 10 हांस मिलकर बन गए 50 हांस। अब ये लाल चबूतरा के हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से एक बार दर्शन करते हैं सब मैप से, कि आफ्टर ऑल कितने प्यारे ये हमारे श्री लाल चबूतरा जी आए हुए हैं। ये देखिए इनकी ये जो है ना, ये तो हमें लाल लाल दिखाई दे रही है, परंतु आप ऊपर देखिए, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर की, हर हांस में महाराज जी ने लिखा हर एक हांस, यानी 40 हांस है ना, तो हमें 40 प्रकार के कलर की गिलम यहाँ पर बिछी हुई, हर हांस डिफरेंट कलर का यहाँ पर दिखाई देता है श्री लाल चबूतरा में, और हर हांस में सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई। कितनी कुर्सियां लगी होती हैं सुंदर साथ जी, की सारी सखियां उन पे बैठ पाए। सिंहासन तो एक होता है एक हांस में, क्योंकि राजी और श्यामा जी के लिए। कुर्सियां कितनी होती है, 3000 एक तरफ 3000 एक तरफ, और एक एक कुर्सी पे दो दो सखियां बैठती हैं। तो जवाहरदास महाराज जी तो 6000 लिखते हैं, परंतु एक और वृत्त में वो पूरी 12000 कुर्सियां भी लगाते हैं, 6000 इस तरफ 6000 इस तरफ। यदि 2 सीटर हो तो 6000 चाहिए, यदि 1 सीटर हो तो फिर हमें 12000 चाहिए। तो फिलहाल हम महाराज जी की वृत्त फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही सुंदर अति सुंदर शोभा, सखी के साथ बैठने की इच्छा हो तो 6000 कुर्सियां ही बहुत है, यदि अकेले में बैठने को आनंद लेना हो आमने सामने तो 12000 कुर्सियां 6 इधर 6 इधर हो जाएंगी। तो सुंदर साहब जी बताएंगे कि यहाँ पर चैट में लिखकर बताएंगे, यहाँ पर कितने श्री लाल चबूतरा पर कितने टोटल सिंहासन होंगे, श्री लाल चबूतरा पर कितने टोटल सिंहासन की शोभा, एक एक हांस में एक एक सिंहासन है सुंदर साहब जी, तो जितने हांस उतने ही सिंहासन, यानी कि 40 हांस में श्री लाल चबूतरा आया है तो 40 ही यहाँ पर सिंहासन लगे हुए। एंड कैन यू इमेजिन, यदि हम 3000 कुर्सियां ही लेते हैं, मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब महाराज जी इतनी बड़ी गिनती लिखते हैं कि राज जी वो लाल चबूतरा कितना विशाल और भव्य होगा। ऐसा ही एक चबूतरा हमने पहले देखा था जो कि गोल हांसदार आया था, और उसके हर एक हांस में हर एक पहल में सिंहासन और 3000 कुर्सियों की शोभा लगी थी, और मिडल में यानी मध्य में भी एक सिंहासन और कुर्सियों की 6000 कुर्सियों की शोभा लगी थी। वो हमने कहां देखा था सुंदर साहब जी, लिख कर बताएंगे कहां हमने देखा था वो एक सिंहासन मध्य में और बाकी सारे हांसों में, यानी कि 200 हांसों में एक एक सिंहासन 6000 कुर्सियां। अति सुंदर मेरे प्यारे सुंदर साथ के
दिल तक वो शोभा पहुंच चुकी है। हमारी श्री रंग महल की दसवीं आकाशी का जो मध्य का चबूतरा था, जिसमें हांस केवल 10 मंदिर का रह जाता है, फिर भी एक एक हांस की किनार पर एक सिंहासन, 6,000 कुर्सियां लगी, 3,000 दोनों तरफ, अति सुंदर। और यहाँ भी, वहां मध्य में भी एक और थी। यहाँ सोचिए, काउंटिंग नहीं करनी है, आप मल्टीप्लाई भी मुझे बता सकते हैं कितनी कुर्सियां यहाँ लगी होंगी। एक सिंहासन, एक हांस में 6,000 कुर्सियां, 40 हांसों में, बस ये बताइए 40 × 6,000, मल्टीप्लाई मत कीजिए, पर 6,000 को 40 से गुना करना है, 2,50,000 कुर्सियां बन जाती हैं तकरीबन। सुंदर साथ जी 2.40, अरे वाह सुंदर साथ जी, 2,50,000 कुर्सियों वाला, आज तक आपने कोई इतनी बड़ी शोभा देखी है जहां इतनी कुर्सियां लगी हो? स्टेडियम्स में भी जाए ना, वहां बैठने की कैपेसिटी 50,000 होती है, 1,00,000 होती, 2,50,000 कुर्सियां तो अभी कहने को क्या है, सिर्फ एक हांस के चौड़े हैं ये तो। अति सुंदर ये शोभा, और एक बहुत ही विशेष शोभा इनकी और है, ये देखिए, हर हांस के मध्य में, ये हांस है ना, इनके बिल्कुल मध्य में चांदो द्वारा प्यारी सीढ़ियां उतरते हुए, चांदो द्वारा सीढ़ियां भोम भर की यहाँ पर उतरते हुए। तो चांदा किस प्रकार का होता है, इधर हर तरफ उनके, इधर क्योंकि बड़ो वन के पेड़ आएंगे वो भी हम करेंगे, तो वन की तरफ उनके कठेड़ा लगा होता है, और इस तरफ भी, और फिर आप चढ़ जाइए और लाल चबूतरा के ऊपर चले जाइए। हालांकि यहाँ पर यदि आप पढ़े तो, यदि आपको पता लगे तो आप भी जरूर बताइएगा, मुझे अभी तक उसका नहीं पता लगा कि यहाँ पर 100 सीढ़ियां उतरी हैं। हालांकि जमीन पर उतरने के लिए, रोंस पर उतरे तो 100 उतरनी चाहिए ऐसा लगता है, परंतु महाराज जी ने बिल्कुल अति सुंदर लिखा हुआ है। तो जब जिस सुंदर साथ के दिल में ये शोभा अति स्पष्ट क्लियर हो जाएगी, वो जरूर आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अभी हम ये करते, भोम भर सीढ़ियां हर चांदे से उतरी हुई, अति सुंदर। तो कितनी कितने चांदे आए सुंदर साथ जी, केवल उत्तर दिशा में कितने चांदे, हर हांस के मध्य में चांदो द्वारा सीढ़ियां, अति सुंदर। तो हर हांस यानी 40 हांस, तो 40 ही सीढ़ियां उतरेंगी उत्तर दिशा में, एक सीढ़ी और उतरेगी, और वो एक ही क्यों उतरेगी, दो क्यों नहीं उतरेगी, वो भी हम करेंगे। और एक और बड़ी प्यारी शोभा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो श्री लाल चबूतरा है ना, इनके पीछे जो श्री रंग महल के मंदिर परिक्रमा रोंस है हमारे पास, एक मंदिर की चौड़ी, उनके पीछे जो श्री रंग महल के मंदिरों की बाहरी हार की दीवार हमें जो दिखाई दे रही है, बाहरी हार की बाहरी शोभा, सुंदर साथ जी क्विकली चैट में लिखकर बताएंगे कि उसमें कितने दरवाजे और कितने जाली द्वार होते हैं, कितने द्वार जनरली लाल चबूतरा के सामने, नहीं मैं पूछ रही, वो हम अभी करेंगे, जनरली जो बाहरी हार होती है उसमें कितने द्वार उन मंदिरों में बाहर निकलने के लिए, बाहरी हार, बाहरी द्वार में कितने द्वार और कितने जाली द्वार होते हैं। हाँ जी, अति सुंदर, 2 द्वार, 6 जाली द्वार और 1 झरोखा हमें मिलता है। और अभी तक हमें झरोखा जो मिला है पूर्व में और दक्षिण दिशा में, 22 हाथ ऊंचे पहली भोम के झरोखे हमें मिले, और पश्चिम दिशा में 3 हाथ ऊंचे श्री फूल बाग के सामने हमें उन झरोखों की शोभा मिली। परंतु श्री लाल चबूतरा के सामने उस बाहरी हार, केवल प्रथम भोम की बात हो रही है, वहां पर वो झरोखों की शोभा नहीं आई है, ऐसा श्री जवाहरदास महाराज जी की वृत्त में लिखा है। तो उन और द्वार जो है ना, वो 3-3 आए हैं, वो किस प्रकार, बीच वाली में बिल्कुल अक्षी दीवार होती है ना सुंदर साथ जी, वहां पर भी द्वार बन गया, वो भी हम अभी, वो मैंने खोला नहीं है, मैं आपको खोल के अभी बताऊंगी कि 3 द्वारों की शोभा आई है, 9 झरोखा। परंतु जब मैंने श्री जुगलदास महाराज जी में ये पढ़ा तो उन्होंने यहाँ भी झरोखों की शोभा लिखी हुई है, उन्होंने बोला बिल्कुल सामने हमें पूरे मंदिरों के झरोखे भी दिखाई दे रहे हैं, परंतु अभी, और दोनों परमहंस, सारे परमहंस
बहुत सुंदर जिस प्रकार चितवन में उनकी आत्म को वहां दिखाई दिया, वैसा ही उन्होंने हम सब सुंदर साथ के लिए लिखा उनका। मुझे तो लगता है राज जी ने ये थोड़ा सा डिफरेंट भी इसलिए लिखवाया कि हम भी प्रयास करें और हम भी वहां अपनी सुरता ले जाकर देखें कि हमें यहाँ पर किस प्रकार दिखाई देते हैं। तो अभी हम श्री जवाहरदास महाराज जी की वृत्त को अक्षरशः फॉलो कर रहे हैं, तो यही मानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर झरोखे नहीं आए हैं बल्कि दो द्वारों की जगह पर तीन द्वार आए हैं। इसका मतलब उस झरोखे की जगह पर महाराज जी ने लिखा सो, उन्होंने लिखा यहाँ झरोखे नहीं आए सो यहाँ तीन द्वार की शोभा आई है। इसका मतलब वो झरोखा यदि आता भी तो तीन हाथ ऊपर ही आता, क्योंकि उनकी जगह पर यदि द्वार आया हुआ है तो तीन हाथ ऊपर वो होता तभी उनकी जगह पे द्वार आया, नहीं तो झरोखा तो वैसे ही वो द्वार की जगह से ऊपर होते हैं। 22 हाथ यदि ऊपर हो तो वो तो वैसे ही ऊपर होते हैं तो उनकी जगह पर नहीं आते। तो यहाँ पर क्या हम सुंदर साथ करेंगे, तीन द्वार नो झरोखा एट ऑल, तीन द्वार और दो जाली द्वार केवल श्री लाल चबूतरा के सामने। तो मैं आपको ना एक ऊपर जाकर यदि इसमें नहीं मिलेगा हम लोग इसको भी करेंगे। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कितने सुंदर सुंदर हमें लाल चबूतरे की शोभा सुंदर साथ ने अति सुंदर बनाकर महाराज जी ने कितनी मेहनत करके अपने हाथों से, आप जानते हैं तब सुंदर साथ जी ये रंग भी नहीं होते थे, मोम के रंगों से उन्होंने उसको कलर किया हुआ है। कितनी मेहनत, पहले खुद देखकर फिर उसको लिखना सुंदर साथ जी कितना मुश्किल है, और जब संसार साधन भी इतने नहीं होते थे तो कितनी मुश्किलें उन्होंने उठाई कि हम सुंदर साथ तक ये शोभाएं पहुंच जाएं और हम भी उनमें रमण करें। तो आइए हम भी मेहनत करें सुंदर साथ जी उन शोभाओं में पल पल रमन करने की। तो ये देखिए ये एक और व्यू, यहाँ पर श्री सोलाहास के चह बच्चा और इस तरफ ये श्री लाल चबूतरा, श्री लाल चबूतरा की शोभा, ये 40 हांस और ये एक हांस यानी के 1200 मंदिर और 30 मंदिर। और उसके बाद ये देखिए इधर श्री ताड़वन, जो हमने खड़ोकली की शोभा कर ली हुई है ना सुंदर साथ जी ऑलरेडी दूसरी भूम में, वो श्री ताड़वन में ही आई है। आपको पता है ये श्री खड़ोकली के जब हम यहाँ से अंदर चले जाएं इन मंदिरों से होकर अंदर जाकर सामने क्या शोभा मिलती है स्पेशल, ये दूसरी भूम के बाहर हमें श्री खड़ोकली की शोभा ये और एक भूम ऊपर है क्योंकि चह बच्चा से। तो हमें यहाँ क्या शोभा मिलती है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सामने अंदर जाकर श्री रंग महल के भीतरी तरफ। हाँ जी अति सुंदर, सब सुंदर साथ को याद है। तो वहां पर श्री भुलवनी के मंदिर अति सुंदर दिखाई देते हैं और 110x110 की वहां पर उन्होंने जगह ली है, अति सुंदर। ये हम सब सुंदर साथ जी को याद है। ये देखिए श्री लाल चबूतरा, सिंहासन और कुर्सियां अति सुंदर सुंदर साथ जी, और हर हांस हांस में चांदे द्वारा सीढ़ियां उत्तर दिशा में। ये देखिए ये पूर्व दिशा में भी एक सीढ़ी चांदे द्वारा उतारी गई है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये तो हर हांस के मध्य में चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी, एक एक सीढ़ी एक एक हांस के मध्य में, तो 40 नंबर जो है वो 40 में भोम भर सीढ़ियां। एक पूर्व दिशा में भी इनसे उतरने के लिए वो सीढ़ी उतारी गई जिससे हम ताड़वन में उतर जाते हैं। तो ये पूर्व दिशा में भी चांदे द्वारा एक सीढ़ी उतरी, और पश्चिम में क्यों नहीं उतरी, क्योंकि पश्चिम में श्री लाल चबूतरा इनसे मिले हुए हैं। तो पश्चिम में सीढ़ी उतरने की जगह यहाँ पर नहीं है बल्कि डिफरेंट शोभा सीढ़ी की जगह यहाँ पर आई है, क्योंकि इनका ये श्री लाल चबूतरा भी एक भूम ऊंचा, ये रौंस भी एक भूम ऊंची और परिक्रमा रौंस भी एक भूम ऊंची, ये सारे एक रूप हो गए हैं। श्री चह बच्चा जी की रौंस और श्री लाल चबूतरा और श्री परिक्रमा रौंस ये सारे मिलकर एक रूप इन्होंने मिलान कर लिया, ना कुछ चढ़ना है ना उतरना। आप तुरंत परिक्रमा रौंस से चह बच्चा जी के रौंस पर जाइए, वहां से आप श्री लाल चबूतरा की रौंस पर आ जाइए। तो इसीलिए कितनी सीढ़ियां टोटल आई सुंदर साहब जी, 40 इस तरफ और एक इस तरफ आई, दूसरी तरफ नहीं आई, तो 40 और एक 41, इसलिए बोलते हैं
41 सीढ़ियां यहाँ पर भूम भर नीचे चांदों द्वारा उतरी हुई हैं। अति सुंदर ये सीढ़ियों की शोभा, इनको और नक्शों से भी देखते हैं किस प्रकार राजी महाराज ने इन लाल चबूतरे को कितना सुंदर कितना प्यारा बनाया है। ये देखिए, ये महाराज जी के ओरिजिनल नक्शे जिन पर लेबल और अति सुंदर, ये देखिए, ये हैं हमारे लाल चबूतरा जी। तो श्री वायव्य कोण से घूमकर ये पूरे 1200 मंदिर के लंबे, 30 मंदिर के चौड़े, इधर हांस हांस के मध्य में सीढ़ियां, पूर्व तरफ भी एक सीढ़ी उतारी गई श्री ताड़ वन में उतरने के लिए। तो ये पूरी 41 सीढ़ियां उतरती हुई अति सुंदर चांदों के द्वारा। इनके सामने ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये पूरे श्री बड़ो वन के पेड़ आए हैं सुंदर साथ जी, अति सुंदर पेड़ जो कि पूरे 10 भोम ऊंचे एक ही बार, भोम दर भोम 10 भोम नहीं, एक भोम की ऊंचाई ही पूरी 10 भोम तक गई है इनकी। और कितने पेड़ 10 भोम ऊपर, उसके बाद कितने पेड़ और ऊपर गए हैं, उनकी शोभा भी हम करेंगे। अभी समय हो चुका है तो मोटे मोटे तौर पर हम सारे नक्शों से इनको निहार लेते हैं। ये देखिए अगले 300 मंदिर में ये श्री ताड़वन की शोभा, उनमें ये प्यारी सी खड़ोकली जिसमें कि अंदर भीतरी तरफ श्री रंग महल की दूसरी भूम में भूल भुलवनी की अति सुंदर शोभा। और ये देखिए मैं आपको एक और बताती हूँ, इतने सुंदर मॉडल्स बने हुए हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, जो हम बात कर रहे थे ना, ये श्री वायव्य कोण के चह बच्चा जी, ये कौन सा कोण है सुंदर साथ जी, ये श्री रंग महल की 100 सीढ़ियां 20 चांदे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन सा कोना है साथ जी? हाँ जी, अति सुंदर, मैं नजर उठाने में लेट हो जाती हूँ देखने के लिए, पर मेरा प्यारा सुंदर साथ लिखने में लेट नहीं होता, अति सुंदर। आपको पता है 450 उत्तर आज आ चुके हैं। ओ माई गॉड, अमेजिंग राजी महाराज, ओ माई राजी, अरे वाह क्या बात है। ईशान कोण और श्री वायव्य कोण के बीच में ये आई हुई शोभा, ये देखिए, ये श्री लाल चबूतरा, यहाँ पर श्री ताड़ वन के बगीचों में खड़ी ये खड़ोकली ऊंची, यहाँ से ऊंचाई दिखाई देती है। आप देख पा रहे हैं लेवल्स कितने प्यारे लग रहे हैं, 500 कीजिए सुंदर साथ जी आज भी, तो केवल 50 उत्तर और देने बाकी हैं। ये देखिए, ये एक भूम के जमीन से दिखाई दे रहे हैं श्री लाल चबूतरा जी, कितने ऊंचे हैं जमीन से सुंदर साथ जी लिखेंगे, ये जमीन से एक भूम, परंतु जल इनका गहराई में चह बच्चा जी का 2 भूम। श्री लाल चबूतरा जी जमीन से कितने ऊंचे हैं? वेरी गुड, अति सुंदर, हाँ जी, एक भूम ऊंचे श्री लाल चबूतरा जमीन से। अब बताइए, ये श्री खड़ोकली जमीन से, जल नहीं, ये श्री खड़ोकली की शोभा कितनी ऊंची जमीन से हमें दिखाई देती है, श्री खड़ोकली की शोभा, ये देखिए इन सब में से ऊंची दिखाई दे रही है श्री खड़ोकली, सब चबूतरों में से ऊंची 2 भूम की, अति सुंदर, बहुत प्यारे उत्तर, बहुत सुंदर। और ये वाले चह बच्चा कितने ऊंचे हैं सुंदर साथ जी, ये जो ईशान कोण के हमारे प्यारे चह बच्चा हैं, वो कितने ऊंचे हैं? हाँ जी, एक भूम ऊंचे हमारे ये चह बच्चा, यानी दोनों चह बच्चा एक भूम के, श्री लाल चबूतरा एक भूम ऊपर स्थित, और ये श्री रंग महल की परिक्रमा रौस, यानी ये सारे आपस में मिलते हुए, और ये श्री खड़ोकली का पहला चबूतरा है ना, इसीलिए थोड़ी जगह यहाँ पर छोड़ी गई कि हम श्री परिक्रमा रौस पर जा पाए एक भूम ऊपर, फिर उनको एक और ऊपर मंदिर बनाकर उनको ऊंचा उठाया गया। आपको पता है 508 उत्तर हो भी गए हैं, अति सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये है हमारी श्री रंग महल की उत्तर दिशा की टोटल 1500 मंदिर, यानी 50 हांस की शोभा, हाफ ऑफ दिस से लेकर हाफ ऑफ ईशान कोण के चह बच्चा जी तक, बहुत प्यारी शोभा। तो अभी मैं आपको सिर्फ मॉडल्स दिखाऊंगी ताकि हम सब सुंदर साथ इनको अच्छे से निहार सकें, कितनी मेहनत एक एक इनकी वुड लगाने में सुंदर साथ ने की होगी। हम तो केवल 2-3 मिनट निहारते हैं सुंदर साथ जी इनको, उन सुंदर साथ ने मेहनत कितनी की है। ये देखिए, यहाँ से क्या था सुंदर साथ जी, यहाँ पर क्या देख के आए हैं हम अभी अभी,
यहाँ पर क्या शोभा आई थी, देखिए यहाँ पहलदार भी दिखाई हुई है, तो यहाँ जो भी शोभा आई थी वो पहलदार आई होगी। ये लाल चबूतरा है, ये हमारे वायव्य कोण के चह बच्चा है, वेरी गुड बेटा। ये नैऋत्य कोण के चह बच्चा है, तो इधर कौन सी शोभा आई थी सुंदर साथ जी? अति सुंदर लिख दिया हमारी प्यारी चित्रांशी ने पहले। इधर आई थी हमारी श्री फूल बाग, श्री नूर बाग की शोभा। सुंदर साथ जी मॉडल ऑसम, हैट्स ऑफ टू ऑल सुंदर साथ, जो ये बनाते हैं, जो ये बनवाते हैं। ये कोई सुंदर साथ बता सकते हैं, मैं बड़ा करती हूँ इनको, ये क्या चीज है सुंदर साहब जी, क्या बारीकी से इस मॉडल को, मैंने कभी इतने ध्यान से इतनी बारीकी से नहीं देखा सुंदर साहब जी, वाओ ब्यूटीफुल। ये देखिए एक मॉडल में भी उन्होंने ये दिखाया हुआ है, कितनी सुंदर शोभा, अति सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये 10 सीढ़ियां 10 खिड़कियां हमें दिखाई देती हुई, जिनमें से सीढ़ियां उतरती हैं और हम कहां लैंड होते हैं, श्री नूर बाग के नहर के पहले चबूतरे पर। कोई सुंदर साथ बता सकते हैं ये जो खिड़की है ये कितनी चौड़ाई लिए हुए है, ये कितनी, यहां से कितनी चौड़ाई और ऊंचाई है इनकी? सुंदर साथ जी को याद है? हां जी मोनिका दीदी, परफेक्ट, बहुत सुंदर, अरे वाह, सब सुंदर साथ को याद है, अरे वाह, प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी। 8 हाथ की चौड़ाई 8 हाथ की ऊंचाई, अति सुंदर। देखिए 5 उन्होंने इधर बनाई और 5 उन्होंने इस तरफ भी बनाई हुई है, तो पूरी 10 खिड़कियों की शोभा, क्या सुंदर और क्या प्यारी उन्होंने बनाई है, बहुत प्यारी। हाँ जी, तो इनका ही एक और रूप देखते हैं। इन मॉडल्स के थ्रू लेवल्स बहुत सुंदर समझ में आते हैं, लाइव मॉडल्स। ये देखिए इस तरफ से जब आप श्री धाम की 100 सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं, यदि इधर से मुड़ जाएं तो किस प्रकार का एंगल आपको यहाँ से दिखाई देता है। खड़ोकली 2 भौम ऊंची, आगे लाल चबूतरा हमारे कितने, 1 भौम ऊंचे। एक और एंगल से देखिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उन्होंने पिक्चर्स भी सुंदर साथ जी के लिए लेकर रखी हैं, तो उत्तर दिशा की अच्छे से दर्शन कर लीजिए सुंदर साथ जी, क्योंकि उत्तर दिशा से ही हमने अपने प्यारे पुखराज जी की तरफ भी चलना है, अति सुंदर। हाँ जी, अब इनको भी देख लीजिए एक बार, इनको भी निहार लीजिए कि कितने प्यारे। ये देखिए पूरे चह बच्चा, यहाँ से बड़ा सुंदर क्लियर होता हुआ कि ये जो श्री वायव्य कोण के चह बच्चा है, देखिए हांसदार, अति सुंदर हांसदार, ये किस प्रकार श्री लाल चबूतरा से और परिक्रमा रोस से मिले हुए, ये देखिए कितनी सुंदर शोभा, परिक्रमा रोस और श्री लाल चबूतरा और इनकी श्री चहबच्चा जी की रोंस एक रूप होते हुए, कोई फर्क नहीं, आप यहां से इधर आइए आगे जाइए, बिल्कुल एक रूप मिलान होता हुआ, नो लेवल डिफरेंस एट ऑल, सेम लेवल पर। जल देखिए कैसे चमक रहा है और बुला रहा है कि सुंदर साथ आज रमन तो करने आओ, देखो मैं कितना सुख देता हूं, अति सुंदर। और अभी देखते हैं हम, मैंने लिख के रखे हैं सुंदर साथ जी कहाँ कहाँ इतनी सुंदर शोभाएं। ये देखिए चांदनी पर खड़े हैं आप, चांदनी पर इधर छज्जे पर खड़े हो जाइए, नीचे देखिए क्या दिखाई देता है। ये देखिए श्री खड़ोकली के दर्शन होते हुए इधर श्री लाल चबूतरा जी को और झुककर देखना पड़ेगा, क्योंकि एक मंदिर के ये छज्जा है, ये तो पूरा एक हांस आया है, तो एक मंदिर से आपको दिखाई ना, एक मंदिर तो परिक्रमा रौसी है, तो पूरा झुककर नहीं, आप सीधे खड़े होके नीचे देखेंगे पूरे श्री लाल चबूतरा के दर्शन। ऊपर का व्यू भी देखिए कैसे आपको श्री खड़ोकली और ये चह बच्चा, देखिए उनमें लाइट्स भी लगाई हैं, जल जल कैसे ऐसे लग रहा है, चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है। इन एंगल से भी देख लीजिए हमारे लाल चबूतरा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, और चह बच्चा जी, खड़ोकली जी, कितनी सुंदरता भरी हुई है इनमें। तो हर प्रकार से हमने इनके दर्शन किए, और एक और यहाँ पर, हाँ जी वो शायद मैंने पहले ही दिखा दिया, खोला ही उनके ऊपर ही था, ये रहा। हाँ जी, ये देखिए बिल्कुल क्लोजर व्यू यदि आपने देखना है ना, हमारे वायव्य कोण के चह बच्चा
चमकते हुए अति सुंदर आगे श्री लाल चबूतरा, चांदो द्वारा सीढ़ियां कितनी सुंदर उतारी, 40 इधर एक ही इधर उतारी गई, तो 41 सीढ़ियां अति सुंदर, एक रूप मिलान रौंस लाल चबूतरा और परिक्रमा रौंस का होता हुआ, नो चढ़ाई उतराई एट ऑल यहाँ पर, तो अति सुंदर इन शोभाओं के हम सब ने दर्शन किए। क्यों करवाए राजी ने इतने व्यूज से दर्शन? राजी कहते हैं किसी व्यू से तो निहार लो मेरे लाल चबूतरा को, ऊपर अलग अलग प्रकार की बिछी हुई गिलम को, किसी इतनी कुर्सियां मैंने तुम्हें बताई। राजी बोलते हैं महाराज जी के दिल में बैठ कर, जवाहरदास महाराज जी के दिल में बैठ कर मैंने 2.5 लाख कुर्सियां लिखवा दी, क्या तुमने एक कुर्सी के एक पाए के दर्शन भी कर लिए सुंदर साहब जी? इसीलिए इतनी विशालता, चाहे गिनतियों से हो, शोभा से हो, प्रियंका जी, सीमा जी, या गीतू जी, या फिर अमी उर्वी जी, या किरीट भाई, उदय भाई, महाराज जी, परम हंसों ने तो नक्शे बना बना कर मेहनत कर दी। जुगलदास जी, लाल दास जी, जवाहर दास जी हो, या फिर एक और हमारे पास वृत्त आती है, सब सुंदर साथ ने कितने मेहनत कर दिए। क्या हमने उस गिलम के एक कण के एक रंग को देखने की भी चाह हमारे अंदर उत्पन्न हुई या नहीं हुई? ये पूरी मेहनत उनकी की हुई कब सफल होगी? जब हम इनके बैठ कर अपने हृदय में उतार कर उनके दर्शन कर लेंगे, तब ये मेहनत सफल होगी सुंदर साथ जी। तो आइए इसके साथ ही एक प्यारा सा जयकारा लगाते हैं और इन व्यूज में से कम एक व्यू को आज के दिन, केवल आज के दिन सुंदर साहब जी, चाहे आप जॉब पर हो, चाहे आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे हो यदि आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप घर में खाना बना रहे हो, चाहे आप बच्चे हैं तो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप बिल्कुल फ्री बैठ के व्हाट्सएप पे कर रहे हो कुछ, सुंदर साहब जी ये शोभा यहाँ पर चलती रहनी चाहिए। गोपियों की तरह सामने मेरे कुछ भी हो, पर दिल में कोई ना कोई व्यू इस लाल चबूतरे का, यदि आज पूरा दिन हमारे दिल में नहीं चला तो ये पूरी मेहनत किसी काम नहीं आएगी सुंदर साहब जी। केवल उनके हाथों की लंबाई चौड़ाई को याद नहीं करना, उस लंबाई के कम से कम एक हाथ में या फिर एक नख, हाथ का भी एक नख होता है ना, उसमें जरूर विचरण करके आना है, वहां खड़े होके देख के आना है कि आसपास मुझे क्या दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आप सबके चरणों में आपके धैर्य के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, धन्यवाद के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस प्रेम ही प्रेम के वो फूल हैं जो मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। सुनो आज मीनू तो नहीं आई, मीनू की थोड़ी तबीयत ठीली है, चुपाई अगर तुम्हारे पास है तो तुम दे दो, नहीं तो मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ जी। और किरण दीदी को अनम्यूट कर देना, किरण दीदी ले लेंगे। और आज ना एक पाठ भी करना, तत्तम पाठ का भी बाद में। अरे नहीं है, एक मिनट मैं शेयर कर देती हूँ, सुनो मैं कर देती हूँ। ओ हाँ जी, को होस्ट मुझे देना है आज, मुझे याद कोई बात नहीं। हाँ मैं भी देख रही थी, कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी किरण दीदी बता दो, नहीं मैं करूँ। हाँ जी कर दिए, कर दिए। हाँ जी प्रणाम जी, किरण आंटी।
प्रणाम जी। हाँ जी आप पढ़िए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। आज की चौपाई श्री कुलजम स्वरूप वाणी श्री खिलवत ग्रंथ प्रकरण 4 चौपाई 25। एक पल जात पियो दीदार बिना, बड़ा जो अचरज ए जो में है हक की, सो क्यों खड़ी बिछोहा ले। यहाँ अक्षरातीत श्री धाम धनी श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के कह रहे हैं, एक पल जात पियो दीदार बिना, बड़ा जो अचरज ए, कि ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि प्रियतम के दीदार के बिना यहाँ हमारा एक एक पल बीते जा रहा है। कैसे, मतलब यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह कर रहे हैं हमारे ऊपर। ये जो मैं है हक की, सो क्यों खड़ी बिछोहा ले, कि अगर मेरे अंदर धनी की मैं आ गई तो ऐसी विरह की अवस्था में मैं धनी के बिना इस संसार में क्यों रह रही हूं। तो यहाँ पर हमें परमधाम की मैं के साथ जोड़ा जा रहा है, अर्थात की हक की मैं, कि जो वास्तव में विरहा प्रेम में डूबी हो, जो धनी का साक्षात्कार करना चाहती हो या जिसने कर लिया हो, जो आत्म भाव से अब जुड़ गई हो इस शरीर भाव से और एक देह बुद्धि से जो परे हो जाता है, तो ये इस संसार में धनी की में आ जाने के बाद कैसे रह सकते हैं। तो इस चौपाई में निज स्वरूप की पहचान धनी की में को कहा गया है, जो हमारी पहचान हमें करनी है, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं आता है, वास्तविक पहचान नहीं हो जाती है ज्ञान के द्वारा, तब तक हमें ईमान नहीं आता है। क्योंकि ये एक सामान्य बात है कि इस संसार में भी जब तक हम किसी को अच्छी तरह से जान नहीं लेते हैं, तब तक हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। और जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास एक ऐसी भावना है, एक ऐसा शक्तिशाली एक बंधन है जो समर्पण की ओर ले जाता है। और जब समर्पण आता है, जब हम किसी के लिए कुछ करने को बेसब्र हो जाते हैं, या तो हम कर गुजरने को तैयार होते हैं, तो उस समय उस व्यक्ति की जो गैर हाजिरी होती है तो वो हमें क्या देती है, विरहा देती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे महामती जी कह रहे हैं कि जब मैं धनी की मैं ले रही हूँ, यानी निज स्वरूप की पहचान करके अब धाम की ओट ले रही हूँ, तो फिर ऐसी अवस्था में मैं यहाँ पर क्यों हूं, मतलब अभी तक मेरा ये शरीर इस संसार में क्यों है। एक विरह की ऐसी अवस्था है जो पल पल अपने प्रियतम की ओर जाने के लिए बेताब है, क्योंकि यह खिलवत की वाणी है। और खिलवत यानी आशिक का वो दिल जहां पे माशूक की शोभा बसती है, जहां पर आशिक और माशूक दोनों की लीला होती है। तो अब यहाँ जब विरहा और प्रेम में डूबा जाता है, जब परातम का साक्षात्कार होता है, जब निज स्वरूप की वास्तविक पहचान होती है कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आई हूं, मेरे आत्मा के प्रियतम कौन है, उनकी धाम स्वरूप लीला क्या है, ये बात हमें खिलवत की वाणी की ओर ले जाती है। और जब इस बात की वास्तविक पहचान हमें हो जाती है, जब हमारी ज्ञान दृष्टि अर्थात विवेक चक्षु खुल जाती है, तत्पश्चात हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है कि अहमेव जाग्या धाम का। और जब धाम की में धनी की में आ जाती है तो अवस्था ऐसी हो जाती है कि एक पल नहीं रह सकते, अर्थात ऐसा नहीं कि तन छोड़ देते हैं, पर जो हमारी सुरता होती है वो इस संसार में रहते हुए भी परम धाम में ही होती है। हमारा शरीर तो यहाँ होता है, किंतु हमारा भाव भी अब आत्मिक हो जाता है, हमारी अवस्था ही कुछ ऐसी हो जाती है कि लगी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड है वाको हैरी नाही, एक खेलत प्रेम है पार पियासो देखन को तन सागर माई। देखने में तो तन इस सागर में, यानी मोह सागर में, पर हे कहां पे जो आत्मा है ना,
वो अष्टपहर 64 घड़ियां परम धाम की लीलाएं कर रही, वहां आनंद में और प्रेम में धनी के साथ लगी हुई है। तो ऐसी अवस्था होती है कि जब धनी की मैं आ जाती है और अगर एक रात भी ऐसी बीत जाए कि धनी का दीदार ना हो या धनी ना हो, तो रात निर्फल लगती है और तब ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। विरह की ऐसी अग्नि, ऐसी ज्वाला फूट आती है कि तब जो विरहनी होती है, जो आत्मा होती है, वो विरह रूपी भट्टी में खुद को जोक देती है कि हाय हाय मेरे धनी, आज आपने मुझे दीदार नहीं दिया। और ऐसी अवस्था खिलवत में डूबने के बाद हमें प्राप्त होती है, तब जाकर के हम आगे मारिफत का सुख ले पाते हैं। तो अक्षति धाम धनी इस चौपाई के द्वारा हमें यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि ज्ञान दृष्टि के द्वारा जब अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाती है, जब हम धाम की में ले लेते, धनी की में ले लेते, तत्पश्चात समर्पण की ऐसी भावना आ जाती है कि वो परातम जो है, वो परातम का साक्षात्कार करे बिना रह ही नहीं सकती, क्योंकि हमें हमेशा जो आत्मा होती है उन्हें एक ही भाव होता है कि मैं अपने धनी के साथ हर पल डूबी रहूं, उन्हीं के साथ रहूं। इसीलिए यहाँ पे हमें उस भाव में ले जाने के लिए, हमें धनी का दीदार कराने के लिए कि हम प्रयास करें, हम डूबे, हम चितवनी करें, यहाँ आश्चर्य शब्द रख दिया धनी ने कि हमें आश्चर्य होना चाहिए कि हमारा एक एक पल धनी के बिना बीता जा रहा है, क्योंकि वाणी हमें कह रही है कि हर पल धनी से जुड़िए, उनसे मिलिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो ताए निर्फल गई जो रात हो जाती है। तो उस बात को याद कराने के लिए अब हमें हकीकत में धनी ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर धनी का दीदार नहीं हो रहा है तो आश्चर्य की बात है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उनकी अंगनाएं हैं। अगर हम अपने नॉर्मल इस जीवन में भी अगर हम किसी को याद करते हैं तो कई बार फोन आ जाता है उसी समय पे, ऐसे ऐसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन अगर हम इस संसार में बना सकते वो तो हमारा मूल निस्बत है कि हमने अपने दिल में लिया और धनी ने हमें दिया। तो उस हकीकत और मारिफत को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि ये आश्चर्य की बात है कि हमें दीदार नहीं हुआ, इसलिए हमें यहाँ प्रयास करना है और उस आश्चर्य को जो हमें अंदर हो रहा है उसको हमें सच में बदलना है कि धनी मुझे दीदार दे रही, इसलिए हमें वो प्रयास करने है। और उसके लिए सबसे पहले निज स्वरूप की पहचान तो वाणी के द्वारा हम सबको है, हम सब कहते हैं कि हमें मतलब हम ब्रह्म सृष्टि, हम दावा करते पर हम ब्रह्म सृष्टि या तो है पर हम कौन है, हमारी परातम उस मूल मिलाव में कहाँ बैठी, उस परातम का हमें दीदार करना है और वो हमें विरह से ही होगा। और जब वो विरह हमारे अंदर फूटेगा, हमें निज स्वरूप की वास्तविक पहचान होगी और वो सब हमें बांधे रखता है समर्पण से, तो हमारे आशिक और माशुक वाले भाव को खिलवत की वाणी हमें बताती है और हमें कैसे हमारे अंदर अब हक की मैं लानी है। हक की मैं लाने के लिए सबसे पहले अपनी मैं खुदी को दूर करना होगा, जो कि खिलवत के प्रकरण 1 से लेके 4 तक मैं खुदी का त्याग कैसे करे और हक की मैं कैसे लाए उसी के ऊपर है। तो ठीक इसी प्रकार ये चौपाई भी हमें हक की मैं की तरफ ले जा रही है कि जब हमारी विवेक दृष्टि खुलेगी, जब हमें पता चलेगा कि जब तक हमारी ये मैं खुदी हम धनी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा यही मैं खुदी टली तो बाकी रहिया खुदा, जब अपनी मैं खुदी छोड़ देंगे तब तो हम धनी की मैं की तरफ जाएंगे। यही विवेक चक्षु है जो खुलने के बाद अवश्य ही धनी हमारे पास आएंगे, हमें दीदार मिलेगा और हम भी इस संसार में रहते हुए भी हमारी जो सुरता है वो हमेशा ही परम धाम में रहेगी। तो बस इतना ही कहकर कि मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये ऐसी बच्चियां हैं जो कि दुनियावी पढ़ाई लिखाई में भी पीछे नहीं है,
राज जी के ज्ञान में तो अति उत्तम और कितनी सुंदर बातें उन्होंने बताई कि यहाँ पर भी किसी को याद करें तो उनका फोन आ जाता है। इसका मतलब कि सच्चाई से हमने आज तक उस दिल से राज जी को याद किया ही नहीं, इसीलिए वो नहीं आए अभी तक। तो अगर हम उनको याद करेंगे, रमण करेंगे, तो हमारे प्रीतम तो ऐसे एक पांव पे खड़े हुए, बस आवाज की मेरे को एक बार याद तो करो, बैठे हुए हैं एक पांव पे खड़े हुए कि मेरी रूह ने याद किया और मैं भाग कर उसके पास पहुंचा। तो आज से जैसा कि हमें परी बिटिया ने बताया, उनको उनकी याद को वो हमारे दिल में ही बैठे हैं, उनके तरफ दृष्टि करना हम शुरू कर दें। अति सुंदर बेटा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी बेटा। हाँ जी किरण आंटी, आप इनको समाप्त कर दीजिए 2 मिनट, और उसके बाद जैसा कि सरोज आंटी ने बोला, हम सब मिलकर श्री तारतम का पाठ करेंगे। हाँ जी पाठ करते हैं। चुपाई तो बहुत अच्छी बोल दी, बहुत प्यारा, इसमें कुछ और रहाई नहीं है ना। तो अभी हम साथ राजी सबको शांति दें, हम यही चाहेंगे, मिलकर के 2 बार तारतम का पाठ करेंगे। निज नाम शिव जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर बे सब विद वतन सहित। श्री श्यामा जी बरसत है सदा सत्सुके दातार, विनती इक जो वल्लभा मो अंगना के अविदार। वाणी मेरे पियु की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे दिन पार। अंगुत कंठा उपजी मेरे करना ए विचार, ए सतवानी मत के लियों जो इनको सार। इन सार में कई सत्य सुख सो मैं निर्णय करु निर्धार, ए सुख देऊ ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। जब वह सुख अंग में आवई तब छूट जाए विकार, आयो नंद खंड घर को श्री अक्षरातीत बरतार। निज नाम शिव जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर बे सब विद वतन सहित। श्री श्यामा जी वरसत है सदा सत्सुके दातार, विनती इक जो वल्लभा मोहंगना के अविदार। वाणी मेरे पियु की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। अंगुत कंठा उपजी मेरे करना ए विचार, ए सतवानी मत के लियो जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख सो मैं निर्णय करु निर्धार, ए सुख दियो ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। जब वह सुख अंग में आवई तब छूट जाए विकार, आयो नंद खंड घर को श्री अक्षरातीत बरतार। श्री अक्षरातीत बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, प्रणाम।